अयोध्या मामले पर AIIM सांसद असुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें हिंदुस्तान के संविधान पर पूरा भरोसा है, हम लीगल राइट पर लड़ रहे थे। अगर मुसलमान गरीब है, कमज़ोर है, लेकिन इन तमाम कमज़ोरियों के बाद भी हिंदुस्तान का मुसलमान इतना कमज़ोर नहीं कि वह 5 एकड़ ज़मीन पर अल्लाह के घर की तामीर के लिए नहीं खरीद सकता। उत्तर प्रदेश में हम अपने लीगल हक के लिए लड़ रहे थे, हमको किसी से भीख की ज़रूरत नहीं, 5 एकड़ ज़मीन की हम मस्जिद बना सकते हैं। अगर आज हैदराबाद में झोली फैलाकर भीख मांगू मस्जिद के लिए तो हैदराबाद की जनता इतना पैसा डाल देगी कि मैं उत्तर प्रदेश में 5 एकड़ ज़मीन बना सकता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि हम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हैं, विवादित ज़मीन पर पहले से भी मस्जिद थी और आगे भी रहेगी। मैं बताना चाहता हूँ, संघ परिवार के लोगों को असुद्दीन ओवैसी के बाद भी जब तक दुनिया कायम रहेगी इस देश में हम इज्जत से रहेंगे, लेकिन हम अपनी आने वाली कौमों को बताते जाएंगे कि यहाँ पर पाल तक मस्जिद थी और 6 दिसंबर 1992 को संघ परिवार ने और कांग्रेस की साजिश की वजह से वहाँ पर मस्जिद को सारी दुनिया के सामने शहीद किया गया और सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया गया। हम मस्जिद को लेकर सौदा नहीं करेंगे, मैं अपने घर का सौदा कर सकता हूँ मगर मस्जिद की ज़मीन का सौदा नहीं कर सकता हूँ। मुझे यकीन है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मीटिंग करेगा और जो फैसला लेगा हम उसके साथ हैं।